अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू यूट्यूब फैमिली, आज मैं अपने मदरसा जामिया फैज़ेआम में आया हूँ और आप लोग देख सकते हैं, जो लोग जामिया में पढ़े हैं वहाँ पे मतबख आप लोग देख सकते हैं और ये बिल्डिंग है, जो यहाँ पे पढ़े हैं वो लोग जानते हैं और ये पूरा नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे बच्चियों की पढ़ाई होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गैलरी जिसको बोलते थे और दफ्तर है, और ये माशाल्लाह खूबसूरत सी मस्जिद है और यहाँ पे अरबी की पढ़ाई होती है, जो लोग पढ़ रहे होंगे जानते होंगे। और ये रहा मेरा रूम जहाँ पे हम लोग रहते थे करीब 10-11 साल पहले 2011-12 में, और उधर दो गुमती है और इधर बसें खड़ी होती थी और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग खेला करते थे, नीम का पेड़ भी है, काफ़ी बड़ा हो गया, पहले काफ़ी छोटा था और बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और मेरे साथ में हमारे अबूज़र चाचू हैं और बिलाल कमर साहब हैं और मेरे बड़े भाई और मेरे दोस्त जो कि ईद उल अज़हा पे घर आए हुए हैं लखनऊ से, अल रुसैद ट्रैवल्स के मालिक जनाब फरहान आदमी साहब हैं। तो भाई क्या कहना चाहेंगे आप जामिया में आए आज? जामिया फैज़ेआम को देख के, मदरसे को देख के बहुत खुशी होती है, इतना खूबसूरत इदारा है जो हमारे इलाके लालगंज में। जी जी, इसकी दीवार, इसकी सब कुछ, जो भी इसकी इस मदरसे के देख के इतनी खुशी होती है कि हमारे आजमगढ़ से लेके बनारस तक के दूरी तक जितने भी कोई भी एक मदरसा जो रोड के टच में नहीं है, नहीं, पहला ऐसा मदरसा जो रोड के करीब है। यहाँ के आने जाने जो भी यहाँ के दूर दूर से मऊ या कहीं भी घोसी से एयरपोर्ट से आते हैं बनारस में, जो भी यहाँ पे आते हैं यहीं पे रुकते हैं, नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने की सहूलत भी है यहाँ पे, जो भी है यहाँ आराम करते हैं। पहली बात तो इसको देख के इतनी खुशी होती है, हमारे इलाके में एक दीनी तालीम का एक अच्छा इदारा है। आपके घर के कई बच्चे यहाँ पे पढ़े हैं, बच्चियाँ भी पढ़ी हैं, तो उसका रिजल्ट मिला कि नहीं? नहीं, रिजल्ट तो बहुत अच्छा मिला, क्यों नहीं, अगर आज नहीं रहता तो बच्चे कहाँ जाते, दूसरे इलाके में जाते, वहाँ पे दूसरे इलाके में दिक्कतें आती, यहाँ हमारे करीब में था, उसका बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट मिला हमारे घर को। जी बहुत बहुत शुक्रिया, भाई ने सब बताया, काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुई है माशाल्लाह यहाँ पे, मैंने भी कई साल यहाँ पे पढ़ाई की और आप लोग देख सकते हैं। और ये मस्जिद है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह, यहाँ पे रहने के लिए रूम भी है और आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।